What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Hello Neighbor 2. तो देखो, हम लोग इस अंकल के पीछे हाथ धोकर इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये अंकल बच्चों को किडनैप करके अपने घर की बेसमेंट में बंद कर देते हैं. और जब ये ऐसा कर रहा था तो मैंने इसके एक मस्त फोटो खींच ली थी जो कि बस मुझे न्यूज़पेपर में छापनी थी और पुलिस को देनी थी. लेकिन तभी ये अंकल ने आके एक शवल हमारी गाड़ी के शीशे पे मारी, अपना एक्सीडेंट हो गया. और जो अपना कैमरा था जिसमें फोटोज थी, वो कैमरा इसने हमसे छीन कर कहीं पर छुपा दिया है. तो अभी प्रूफ के लिए वो कैमरा वापस चाहिए होगा, तभी हम लोग इसे पुलिस के हवाले देकर इसका खेल खत्म कर पाएंगे. लेट्स गो, दोबारा चलते हैं कैमरा को ढूंढने. वेलकम बैक गाइस टू हेलो नेबर 2. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट टाइम लोग गए थे इस ब्लू वाले हाउस में, बट हमें अपना कैमरा यहाँ पर नहीं मिला. नेक्स्ट डे हम लोग गए उस रेड कलर के सामने बड़े से हॉरर हाउस में जहाँ पर अंकल रहते हैं, बट कैमरा हमें वहाँ पर भी नहीं मिला. लेकिन आज हम लोग उस कैमरा को ढूंढने इस पूरे टाउन के सबसे डेंजरस सबसे हॉरर हाउस में जाने वाले हैं, और वो है वो सामने वाला घर. पता नहीं भाई, उस एरिया को देख कर ही एक गलत वाइब आती है. उसके अगल बगल जो पेड़ है ना, सूखे सूखे, कुछ अजीब से हैं. बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि जो अंकल का रेड वाला हाउस था ना, उसके अंदर बहुत सारे दरवाजे ऐसे थे जो लॉक्ड थे, तो शायद उन दरवाज़ों की चाबी वगैरह मुझे यहाँ से मिलेगी. बट हो सकता है कैमरा भी मिल जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कैमरा उसी घर में होगा. फिलहाल बातें नहीं करते, फटाफट से भाग के चलते हैं क्योंकि अभी मस्त दिन हो रहा है. ये घर दिन में इतना हॉरर लग रहा है तो पता नहीं रात में कैसा दिखेगा. लेट्स गो, दोबारा से घर के अंदर चलते हैं, पर ऐसे गेस्ट की तरह नहीं, थोड़ा अच्छे मतलब कहीं किसी और रास्ते से मुझे जाना होगा. ये रास्ता शायद से मेरे लिए ही बना है, ड्रम रखा हुआ है. यहाँ से मैं क्लाइम करके ऊपर आ चुका हूँ, बट विंडो बंद है यार. ये यहाँ से मैं और ऊपर जा सकता हूँ, आई थिंक. यप, यहाँ से मैं और ऊपर. भाई छत पे का पतंग उड़ाने नहीं आया हूँ मैं, एंट्री चाहिए मेरे को घर के अंदर. यहाँ पर ओ वेट 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 वेट, वहाँ राइट साइड में कुछ तो है. मैं पता नहीं क्या, मैं लटक लटक के कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम. यहाँ से तो एंटर होना पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे जंप वंप मार के कोई तो जुगाड़ लगा के चले जाऊंगा, बट शायद गलत एंट्री है. यहाँ पर कुछ है शायद, इधर मैं कूदूँ तो ये टूट जाए. टूट पे कुछ तो इधर हैवी गिराना पड़ेगा, ये टूट तो जाएगा. बट ठीक है यार, अभी ना ज़्यादा जुगाड़ू दिमाग नहीं लगाते. मैं सोच रहा हूँ सही रास्ते से ही एंटर होता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चुपचाप. नहीं 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 नहीं, एंट्री मिल गई भाई. मैं ढूंढ लेता हूँ भाई कहीं ना कहीं से रास्ता. ये क्या है, ओए ये क्या ड्रामेबाजी है, कुछ हुआ ही नहीं इसको नीचे करने पे. बाकी ठीक है भाई, इसके घर में ना मेरे को ऐसा लग रहा है इसको एनिमल हेड की कलेक्शन का बहुत शौक है. हर तरफ उनके सींग, उनके स्कल्स मुझे नजर आ रहे हैं, बट पता नहीं ये सब क्यों है. खैर ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा. भालू भालू है भाई, इस भालू के मुंह में एक मैप है. नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, कल मैं मजाक कर रहा हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगा. ओ भागो, अरे भागो, अबे बैठ, भाग 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 भाग. वो तो सीढ़ी से आएगा, सीढ़ी से आएगा ना, सीढ़ी है तो यहाँ पे. अबे आ गया, सच में आ गया, मजाक कर. ये खिड़की खोल, भाग भाग भाग. ओ भाई फाइनली सेफ हूँ मैं, खोल के देखता हूँ. अंकल जी आए तो नहीं नीचे, मेरे घर के बाहर निकलते. भाई यार गलत हिसाब है, ये तो घर में मेरे को आने ही. अरे अरे जा रहा हूँ ना, अच्छा बाहर भी मारेगा. अबे भाई जा रहा, मोहल्ला ही छोड़ रहा हूँ मैं, आज के बाद नहीं आऊंगा. ओ भाई अब मत मार दियो, अब मत मार दियो, घर से बाहर आ गया मैं बाउंड्री से. भाई सही में गलत हिसाब है यार इस अंकल का. ठीक है अभी फिलहाल वो अंदर जा रहा है, मेरे को ना इसके घर का मैप समझना पड़ेगा पहले. अबे गेट पे ही खड़ा हो गया, अगर तू बाहर है तो देख मैं अंदर चले जाता हूँ. देख लिया क्या, देख लिया नहीं देखा शायद, मैं अंदर जा रहा हूँ. मेरे को उसके लिए क्रोबार चाहिए होगा, बट कहाँ पे मिलेगा कोई आइडिया नहीं. यहाँ पर एक दरवाज़ा तो है. अरे नहीं 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 नहीं, धक्का मार के बाहर फेंकता बदतमीज, वो भी इतनी दूर फेंकता भाई कि जाने में भी आलस आए. बट ठीक है, हम लोग आलसी नहीं है बिल्कुल. मैं दोबारा से भाग कर आ चुका हूँ. इसके घर से बाहर निकलने के और अंदर जाने के ना बहुत सारे रास्ते हैं, तो ऐसा हर बार अलग रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है. वेट 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 वेट, यहाँ पर एक एंट्रेंस और है भाई. ये रास्ता मेरे को सही मिला है, अभी मैं इसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज कर सकता हूँ. जब ये नीचे से आएगा तो मैं इधर से आ जाऊँगा. बाकी यहाँ पर शायद से कोई इनकम्प्लीट मैप है, और भालू के मुँह में मैंने कोई मैप लगा हुआ देखा था ना, अब वो भालू का है मुझे नहीं पता. इतना भूल भुलैया जैसा घर कौन बनाता है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. वो नीचे ही घूम रहा है और मैं क्राउच होकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो सुनेगा तो आ जाएगा. बाकी यहाँ पर कुछ पड़ा है. ओ वेट वेट वेट, मेरे को क्रोबार मिल गया. कहीं तो रास्ता था ना ब्लॉक्ड रास्ता, उसको मैं खोल सकता हूँ इसके थ्रू. ओ यस यस, ये रहा, इसको ओपन कर देते हैं. एक ये. और सबसे मस्त चीज़ ये है कि इसकी जो छत है ना थोड़ी बहुत टूटी पड़ी है, तो मैं नीचे का भी व्यू ले सकता हूँ कि अंकल आ तो नहीं रहे. वैसे झांक के देखूँ क्या, आवाज़ तो आ रही है, पता नहीं शायद कुछ हो रहा है. यार देखो मुझे जाना है नीचे वाले फ्लोर पे और अंकल भी नीचे ही हैं, तो मैं काम करता हूँ इधर थोड़ा बहुत शोर मचाता हूँ, इसको फेंक देता हूँ. शायद इसकी साउंड सुन के वो ऊपर आए, मैं यहाँ से चले जाऊँगा नीचे. लेट्स गो, अभी वो ऊपर मैं नीचे, थोड़ा बैठता हूँ कहीं पता चला नीचे. अरे नीचे ही आ गया भाई साहब, भागो 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 भागो, तू नीचे आ मैं ऊपर जाऊँगा.
ये सही है भाई। अभी एक चीज तो मैंने इसे ढूंढ लिया पूरा कंफ्यूज करने के लिए, बट यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी काम की चीजें तो नीचे ही है, तो घुमा फिरा के मुझे यहीं आना पड़ेगा। बाकी पूरा बाहर है देख लिया। मैं ले ले, मैं जा रहा हूँ तेरा घर छोड़ के, मैं आऊंगा ही नहीं, निकल यहाँ से, रह अकेला तू। मैं मेहमान आया भाई, चाय पानी दे, दोस्ती वारी कर। नहीं पता नहीं क्या हो, उसको शौक है भाई, सीधा शॉटगन लेकर आ रहा है मारने, नॉर्मल भी नहीं। हाँ तो ये थी वो एंट्रेंस जहाँ से मैं लास्ट टाइम अंदर आया था, और अभी मैं वापस आ चुका हूँ। इसका क्या मतलब है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। जैसे पिग नीचे जाता है लाइट जल जाती है, बट इससे हो क्या रहा है? हाँ ठीक है, लास्ट टाइम मैं कहाँ पर एंटर हुआ था, इधर इधर कूद के जाऊँ क्या? सीधा नीचे ना गिर जाऊँ, आराम से जाना होगा यार। लास्ट टाइम मेरे को यही कहीं पर भालू दिखा था, ये रहा यही भालू। ओ वेट, तो ये शायद से ग्राउंड फ्लोर ही है, और इधर कोई एक और रास्ता है। अरे टूट जा भाई, बढ़िया आएगा वो मेरे को पिटेगा, पिटा मैं शायद से। अरे तो बता, अरे मैं जा रहा हूँ नीचे, ये भी कुछ है यहाँ पर, चेस्ट पड़ा है। ऊपर से मत आ जाइयो भाई, कूद के मेरे मुंह पे, वो ऊपर खड़ा है वो, ठीक है। यहाँ पर इसकी चाबी चाहिए यार, एक चेस्ट मिला है बट इसकी मेरे को चाबी चाहिए होगी। मैं जा रहा हूँ पहले यहाँ से बाहर, चाबी वाबी बाद में ढूंढेंगे, आई मीन अभी ढूंढेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार ना बाहर। उरे ट्रैप लगाता है भाई साहब, ये खतरनाक है यार, गेट के बाहर ट्रैप लगा दिया। ले तूने मेरे ट्रैप मारा, तेरा घर का शीशा तोड़ दूंगा मैं। हाँ नहीं तो मैं यहाँ से एंटर हो जाऊँ बस। अरे वाह शक्तिमान, ओके मैं वापस से आ चुका हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। देखो मुझे अभी दो चीज़ समझ आ गया, मुझे एक की चाहिए जिससे चेस्ट ओपन होगा, और मुझे इस मैप को कंप्लीट करना है। इस मैप का एक टुकड़ा भालू के मुंह में, तो उस टुकड़े का क्या फायदा? उसको लेने के लिए भी मुझे एक चीज चाहिए, बट वो क्या है क्यों है नहीं मालूम। बाय द वे भी वो घर से बाहर गया है, मैं चुपचाप से उतर के चलता हूँ नीचे, और ये शायद से इसका बाथरूम है, इसे बंद करो। अबे इतनी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए थी, मैं मरूंगा, मैं मरा। यहाँ पर कुछ लिखा है, एफ, क्या ये एफ दियो इधर, एफ उठा लिया भाई मैंने, पता नहीं क्या ये। चुपचाप बैठा हुआ, मेरे को पता है मेरी पिटाई होने वाली है, अगर थोड़ी देर शांत रहूंगा तो एटलीस्ट चांस है बच सकता हूँ। ओके शायद से कोई नहीं आ रहा, मुझे एफ मिला है, इसका कुछ तो यूज है कहीं पर, समझना होगा। यहाँ पर से निकलता हूँ पीछे, और इधर एट, यहाँ पे फ्रिज है। अबे ये फ्रिज RBFC, मरा। मुझे ये वर्ड कंप्लीट कर, नहीं नहीं कोई भी नहीं, कोई है ही नहीं, है ही नहीं, लग जाएगी बहुत तेज की। भाग गया मैं, भाग गया, हट गया भाई साहब, जा रहा हूँ, आ जा, भाग क्या, तू ऊपर आएगा मैं वापस नीचे चले जाऊँगा, ये ले मैं वापस फ्रिज पे आ गया। अच्छा तू ऊपर आया ही नहीं था, अबे मजाक कर रहा हूँ, मेरे को लगा ऊपर आया होगा। अरे, ले आ जा, मैं वापस आ गया नीचे। परेशान कर दिया बेचारे को, अबे आलसी है, अब समझ आया। मैं बार बार सोचता हूँ भाग क्या आया होगा मेरे पीछे, ये ऊपर वाला फ्लोर नहीं चढ़ता भाई इतनी जल्दी, ये थोड़ा आलसी टाइप का बंदा है। इस गेम में हमें बस पजल सॉल्व करनी है। एक सेकेंड यार, इसके घर की बैक साइड पे ये क्या चीज़ है? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं ना, मेरे को स्पॉट जो हो गई, स्पॉट नहीं होती तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता, बट क्या ठीक है। अभी वापस से मेरे को चलना है घर के अंदर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो है भैया इसके घर के अंदर या बाहर। हाँ बहुत बहुत मस्त बेल लगा रखे इसने, दरवाज़ा खोलो पूरी भाई साहब, ऐसे आवाज़ें आती हैं। ठीक है तो अभी उसने दरवाज़ा बंद करा शायद से। अरे तू ऊपर कैसे आया? मजाक कर रहा हूँ, नहीं है आलसी, नहीं है, झूठ बोल रहा था मैं, नहीं है यार। ले जाने दो से नीचे अंदर। यस अभी वो नीचे गया, मुझे पहले तो एक क्रोबार उठाना है फटाफट से। आ गया, और कुछ वर्ड्स थे ना, मुझे वो वर्ड्स सही है। यहाँ पर भी शायद से कोई पजल है, मुझे इधर कोई सींग ला के लगाना है। ठीक है इधर देखो एक मिस हो रखा है ना यार, इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढूंगा मैं। ओके मैं वापस से आ चुका हूँ नीचे, सब कुछ नीचे वाले फ्लोर पे ही है भाई, सब कुछ नीचे ही है। ओके मैं दोबारा से आ चुका हूँ ऊपर, और मुझे यहाँ पर अंदर एक शवल मिला है, बट मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, इधर रास्ता ही नहीं है। साइड से अगर जाऊँ तो नहीं, तब भी पॉसिबल नहीं है। अरे वाह गाइस, अभी मैंने पता नहीं ग्लिच करा या फिर क्या करा, बट आप मानोगे नहीं, मैं ऐसे भाग कर आया और मैं ऐसे कूद के इसके ऊपर चढ़ गया। ये शायद से ग्लिच नहीं है, ये कोई ट्रिक है आई थिंक। अभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा जो कि मुझे चाहिए। एक ये है, इसका फेस डाउन करने पे क्या हो रहा है भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को, बट हाँ कुछ तो है ये। फिलहाल ऊपर चढ़ के भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं मिला, दुख इस बात का है। अभी मुझे इतना समझ आ गया कि जैसे ही आएगा मैं ऐसे करके ऊपर चढ़ जाऊंगा तो शायद से मैं इससे सेफ रहूंगा। अगर चढ़ अब टाइम पे चढ़ ही नहीं रहा। यस आजा। अबे ऊपर से ही खींच दिया, मुंडी टेढ़ी कर दी भाई। लेट्स गो, मुझे अभी चाबी ढूंढनी है, चाबी 80146 ही कोड है जहां तक मुझे लग रहा है, वरना फिर ऑर्डर वाइज करना पड़ेगा। ये रहा अपना सेफ, इसके अंदर मुझे डालना है कोड। यहां पर पहले ट्राई करते हैं 80146 8, उसके बाद आएगा 0 0, फिर आएगा 1,
फिर उसके बाद आएगा फोर। अबे क्या है इतने ज्यादा चलाना पड़ रहा है। फोर इसके बाद लास्ट आएगा यहाँ पर सिक्स। ट्राई करते हैं, अगर यही हुआ तो खुल जाएगा, वरना फिर अलग अलग तरीकों से मुझे इसे ट्राई करना होगा। ओपन हो 80146 नहीं हुआ। लास्ट ट्राई करते हैं 80164 ये हो सकता है। गाइस तो भी मैंने बहुत अलग अलग ऑर्डर में इस कोड को ट्राई कर लिया है, लास्ट अपने पास एक ऑप्शन बना है 80164। मतलब तुक्के ही भेड़ रहा हूँ मैं इन पांचों नंबर्स के आसपास, क्योंकि मुझे लगता है भैया कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा। अभी मैंने डाला 80164 यही कोड था भाई। ठीक है, इतने तुक्के भेड़ने के बाद एक तो चला। एंड फाइनली अभी मुझे ये की मिल चुका है, और शायद से ये की उस अंकल के हॉरर हाउस में, वो जो वहाँ पर एक सेफ था उसके अंदर लगने वाला है। लेट्स गो भाई, इस पूरे गेम में बस हमें पजल सोल्व करनी है, ताले खोलने हैं, बस यही गेम है पूरा। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली टाइम आ चुका है इस हॉरर हाउस में एंटर होकर अपने कैमरा को वापस लेने का। वैसे हाँ यार, कुछ भी कहो, ये घर देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पर ठीक है। समी म्यूजियम जो भी इसका नाम है, फटाफट से इसके अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर ना नेबर अंकल का कोई तो सीक्रेट दरवाजा था जिसे मैं लास्ट टाइम ओपन नहीं कर पा रहा था, और मैं भी 100% श्योर हूँ वो दरवाजा इस चाबी से ओपन हो जाएगा। हेलो अंकल, अबे है ही नहीं वो तो, ये बड़ा अबे नहीं नहीं घूम रहा ऊपर। ठीक है, सेफ हूँ, मैं अपने राइट से चलता हूँ, वो शायद से अपनी ये क्या ड्रामेबाजी है। वो वाली सीढ़ी कच्ची थी भाई, उसने मुझे देख लिया है। अंकल नहीं नहीं नहीं, अरे क्या, अबे नीचे से आ रहा है। वहाँ का करने गया था, हिल ले। दरवाजा ओपन, यही वाला दरवाजा लॉक था, इसी की चाबी मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर ऊपर ना आ जाए भाई। गाइस ये देखो, यहाँ पर एक सेफ और है। फिर से अभी एक पजल सॉल्व करिए, यहाँ पर एक पजल और आ गई, और पक्का कैमरा इसी के अंदर है। बट इसका कुछ ना लेना देना है घड़ी से, शायद से घड़ी में जो टाइम चलेगा वही इसका पासवर्ड होगा, पता नहीं। कुछ तो करना है यहाँ पर, मेरे को लग रहा है ऐसा। बाकी यहाँ पर एक गाड़ी है, इसकी गाड़ी गैराज में खड़ी थी, और एक गाड़ी का आगे वाला बर्ड है जो कि गाड़ी पे लगेगा शायद। और क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हम लोग इसके घर से आ रहे हैं, उसके पहले इसके घर पे गए थे। और क्या क्या है यहाँ पर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर एक अर्थ का सीन है। अभी ये क्या, रुक, शोर नहीं ज़्यादा। यहाँ पे कुछ तो बना हुआ है, बट समझ नहीं आ रहा इसका क्या लेना देना भाई। इतनी सारी पजल्स कौन सॉल्व करने बैठेगा भाई। ये क्या है, ओ भाई साहब सीक्रेट, ये तो उसका बेडरूम है, सोने आया भाई वो, इसको बंद कर दो भाई। वेट, मैंने जैसे ही खोला वैसे वो अपने बेडरूम में जस्ट सोने आया ही था। यहाँ पर एक विंडो है, चलो अपने पास एक रास्ता और हो चुका है यहाँ से भागने भागने के लिए। अबे अभी तो जस्ट सोने आया था, उठ गया वो सो के इतनी जल्दी। खैर ठीक है, मेरे को अपनी सर्चिंग जारी रखनी चाहिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझ नहीं होगी। एक बार चेक करता हूँ, वो शायद से ना अभी रूम से जा चुका है, दिख ही नहीं रहा वैसे तो यहाँ से। नहीं यार नहीं गया वो, अभी आके लेटा है, उल्टा दोबारा उठता है दोबारा सोने आ जाता है, उसका ये सिस्टम है। मैं काम करता हूँ, भाग के चलता हूँ नीचे उसकी गाड़ी में ना, ये लगा के आता हूँ। और ये देखो घड़ी में वो आ गया, बाद में दिखाता हूँ, अभी फिलहाल उसकी गाड़ी मेरे को पता है ये चीज़ गाड़ी में लगनी है, तो इसे लगा देते हैं। और गाड़ी में से कुछ तो मेरे को ये मिला है भाई। अभी गैराज में झांकने आया वो, हेलो, देख नहीं पा रहा। मैं सेफ हूँ अभी। अरे मैं इसकी ना गैराज में आई गया, वो मैं भाग के जा रहा हूँ। अभी देख लिया आ शीशे पे और चढ़ गया मैं। ठीक है, अभी मैं भाग कर इसी के बेडरूम में आ चुका हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है वो पीछे आ रहा है। इसको बंद भी कर देता हूँ, ये ले। ओह यस, अभी तो दो साइड से अपना काम हो गया। एक सेकंड, इसके रूम में गाइस एक ये चीज थी इसके ऊपर। ओ इसके अगर ऊपर मैं वेट ला के रखूंगा तो वो देखो सामने कुछ खुल रहा है, बट वो वेट कहाँ से मिलेगा वो समझना होगा। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी, पता है मैंने खुद को ही फंसा डाला। मेरे को वो दरवाजा बंद नहीं करना था, भागने के काम आता मेरे। ठीक है, तो इसके घर में वो जो वेट वाला है ना, वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। मैंने देखा था पिंक कलर का कहीं पर तो देखा था, वो अपने काम आ सकता है वहां पर एक वेट डालने के लिए। अरे यार रास्ता ही बंद है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर से एक रास्ता और है जो कि मुझे याद है। वो वेट वाला कहाँ पर है यार, मशीन नहीं कुछ तो है। यहाँ पर भी एक दरवाजा है जो कि लॉक्ड है, जिसके लिए मुझे प्रॉपर एक रेंच चाहिए, वो नीचे से आ रहा है। यहाँ पर कुछ पड़ा है क्या, रेंच वगैरह, वो आ जाएगा, उसके भी सर पे मार दूंगा लगे यहाँ यार। अबे यहाँ के लिए पीछे एक दरवाजा जिसके लिए क्रोबार चाहिए। एंड गाइस वेट, ये आवाज सुन रहे हो, राइट वाले रूम से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये देखो यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ये देखो किसी ने जैसे जबरदस्ती किसी बच्चे को ऊपर भेजा है। पूरा दरवाजा कोई लॉक है भाई, ये देखो ये देखो देखो, राइट से किसी के रोने की आवाज आ रही है भाई। यहाँ पर भी भाई, इधर कितने लॉक लगे यार इस घर में। नहीं मैं गया इस बारी, नहीं यार मैं मर जाऊंगा आज, पूछ जाऊंगा भाई यहीं से। इधर से वो क्रोबार ले लेता हूँ मैं पहले, तो ये वाला दरवाजा खोल के
मैं जरूरत नहीं है बाहर जाने की, मैं वापस अंदर आ रहा हूँ। आजा आजा आजा, नीचे आ तू, नीचे आ, मैं ऊपर चले जाऊँगा। मेरे को ये वाला दरवाजा खोलना है बस, बैक साइड का, वो आ रहा होगा ऊपर। जल्दी खुल जाइयो प्लीज। यस परफेक्ट, अभी मैं भाग कर जा सकता हूँ अलग अलग जगह पे। अरे बाप रे, नीचे ही गिर गया। वेल वापस से मैं एंटर हो चुका हूँ उसके घर में। वो भी कह रहा होगा भाई अलग ही परेशान कर रहा है यार बच्चा। अरे शीशे गिरे पड़े हैं यार, आवाज़ जाती है, उसने सुन लिया है। आ रहा है वो नीचे से घूमता हुआ। मैं इस वाले रूम में छुप जाता हूँ, ये ओपन कर देता हूँ जल्दी 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 फास्ट। इसके रूम में ही कुछ ऐसा ढूंढना यार, वो वेट वाली जो चीज़ है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, कहीं मैंने देखी है। लेकिन इस रूम में उसने बच्चों को बंद कर रखा है, और यहाँ पर के लिए भी मेरे को एक चाबी चाहिए। अंदर भी कुछ तो आवाज़ें आ रही हैं। ये वाला रूम भी लॉक्ड है, ये शायद से इसका बाथरूम है, पता नहीं इसमें क्या होगा, बट लॉक्ड है वो रूम। ओ एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता मिला जो कि मैंने पहले नोटिस नहीं करा था। खैर ठीक है, सीक्रेट रास्ते में ऐसा कुछ खास तो है नहीं। मैं वापस घूमकर वहीं पर आ गया हूँ, और शायद से वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। भाई मैं वापस आ चुका हूँ अपने सेफ रूम में। यार वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, मैं बाहर जब से गया हूँ हालांकि पीछे भाग कर आ रहा है, और मुझे अभी भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ तो आ रही है। ओ वेट, यही तो वेट मुझे चाहिए इतनी देर से, इसको यहाँ पर रखना है बस। यस अभी वो ओपन हो चुका है, मुझे दो दो पीस मिल गए हैं ये वाले, लेट्स गो। मैं यहाँ से भी भाग सकता हूँ, बट इनको यूज़ कहाँ करना है, यहाँ करना है क्या? ये कहीं तो यूज़ होंगे, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर होंगे। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी कर सकता हूँ इस घर में। यहाँ पर भी कुछ है नहीं, ये तो बैक साइड है। यहाँ पर भी एक कोई तो सीक्रेट जगह है जहाँ से मैं डायरेक्ट जंप मार के नीचे आ सकता हूँ। नाइस, काश ये मुझे पहले पता होती। बाकी ठीक है, अभी अंकल ऊपर है, मैं नीचे आनी, थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी कर सकता हूँ अलग अलग जगह पे। बाकी यहाँ यार ये घड़ी है, और वो जो ऊपर वाला सेफ था ना उसमें ये था कि यहाँ पर मैं कुछ लगा सकता हूँ। क्या ये लगेंगे? यस, मुझे ऐसे तीन ढूंढ के लगाने, मेरे पास दो हैं तो नहीं, एक ही है यार। एक मैंने उसके रूम से लिया था शायद, मेरे को एक और की लोकेशन मालूम है, बट अभी मैंने साउंड करा तो शायद से वो बाहर आएगा। बट ठीक है, अभी वो नहीं आया तो वापस चलते हैं इसके रूम में। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो आ रहा है, मैंने यहाँ पर ये रखा था और मेरे को एक और पीस मिला था यार, कहाँ चला गया? एक पीस यहाँ पर है शायद से, एक पीस वापस से गाड़ी में जाकर लग गया क्या? हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, ये ब्लू वाला है, मुझे इसको लेकर चल के ब्लू वाले में लगाना है फटाफट से। अरे यार वो वापस आ गया, तो जब भी मेरे को पकड़ेगा छीन के उसे वापस रख देगा, ऐसा सीन है। ठीक है वो यानी अभी उधर गया, तो मुझे फटाफट से इसे ब्लू वाले में लगाना है। और लास्ट पीस की जो पजल है ना, मुझे वो अब समझनी होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये तीन पीस मिलेंगे, घड़ी का टाइम ऑटोमेटिकली सेट होगा, फिर जो भी टाइम सेट होगा वही इस सेफ का पासवर्ड होगा, ये वाले सेफ का। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ बना हुआ है घड़ी क्वेश्चन मार्क, और इससे कुछ ना कुछ लिंक है उसका। बाकी ठीक है, ये एक लास्ट पजल है जो कि मेरे को अभी तक समझ ही नहीं आई। यहाँ पर कुछ कांटा बना है, कुछ ना कुछ तो सी, ये उंगली दिखा रहा है यहाँ पर कोई तो बंदा। क्या मुझे इस क्रॉस को यहाँ तो नहीं लाके सेट करना? आजा 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 आजा, अभी ये घूम ही गया, तो रुक जा भाई। ओ हो गया ओपन, और वही मिला, लेट्स गो। लास्ट एक ग्रीन पीस मेरे को मिल चुका है, मैं कूद के जाऊंगा सीधा नीचे और इसको लगा देते हैं भाई फटाफट से। ये लग जा, बस हो गया अपना काम, मैं भाग रहा हूँ। घड़ी बजी, अरे यार तू दो मिनट सांस लेने देगा? आ जाओ ऊपर ऊपर ऊपर, तू ऊपर है, मैं नीचे जा रहा हूँ। घड़ी में टाइम हो रहा है 11:35, यानी पासवर्ड है 1135। ठीक है, वो कहाँ पर है अंकल जी? 1135 पासवर्ड याद रखकर मैं जाके सीधा पासवर्ड डाल देता हूँ। अरे ये तो यहीं पर है, अच्छा अच्छा अच्छा, आ जा इसको इसी के कमरे में चकमा दूंगा मैं, आ जा। अबे चला गया, इस कमरे में आने से डरता है क्या? उसको लगता होगा इस कमरे में कोई जा ही नहीं सकता। बाकी ठीक है, पासवर्ड शायद से भी मेरे को मिल चुका है, ट्राई करते हैं 1135। यस, एक ही बार में करेक्ट, और हमें कैमरा मिल चुका है, लेट्स गो। ढूंढ दिया भाई फाइनली, पर ये क्या सिस्टम है ये? मैं खुद की फोटो कैसे खींच गई भाई? अभी कुछ तो गलत सीन है भाई, बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। ये घर कुछ अजीब नहीं हो गया थोड़ा सा अचानक से? सामने एक चिड़िया लटकी थी, उसके मुंह से सोने का सिक्का गिरा है। एक और, दो, तीन, वाओ बारिश हो गई, लेट्स गो। पर क्यों है ये भाई, ये क्या हो रहा है यार? ओ ये क्रेजी था। तो चलो गाइस, फिलहाल आज की वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हेलो नेबर 2 का ये गेम प्ले वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना है। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो जाओ नीचे लाइक बटन है उसे दबा के गोल कंप्लीट कर दो। बाकी कहानी में गेम में हर बार कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता है। लास्ट टाइम हम लोग अंकल के घर में गए, 4-5 पजल सॉल्व करिए, तो पता चला कि एक लास्ट दरवाजा है जिसकी चाबी नहीं मिली, उसकी चाबी मिली पड़ोसी के घर में। चलो कोई नहीं, उसके घर में भी 10 पजल सॉल्व करके चाबी लेकर आए, उसे सॉल्व करके कैमरा मिला, तो हमें उसके घर में कुछ अलग ही कहानी दिखी। जो चिड़िया एक झूमर की तरह लटकी हुई थी वो
नाचने लग गई, वो रियल बन गई। पता नहीं अभी गेम में आगे क्या ही होने वाला है, बट हाँ ये गेम का जो एक्सट्रीम लेवल है वो धीरे धीरे आता जा रहा है। और गेम काफी मस्त है क्योंकि इस टाइप की जो पजल है ना उसको सॉल्व करने से थोड़ा सा माइंड आईक्यू भी थोड़ी बढ़ती है, मजा आता है। फिलहाल हाँ यार सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जाके नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो, और चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा दो इसी टाइप की अमेजिंग गेम प्ले वीडियोस, गेम प्ले सीरीज देखने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।